गुड मॉर्निंग प्रीति। प्रीति आवाज आ रही है? माइक ऑन करो। मैम क्लियर है आवाज? यस मैम। चलो हम लोग आज हम लोग बसंत का चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है कविता। क्लियर है प्रीति? आवाज जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम। ठीक है, तुम लोग को दो स्टेप्स में जैसे था कि आप लोगों का चार बुक थी वसंत की, ठीक है, संस्कृत की, व्याकरण की, और एक क्या था, बालराम कथा था ना, यही चार बुक थी आप लोगों की प्रीति। अब सेवेंथ में क्या होगा? चार ही रहेगी, लेकिन उसकी जगह क्या होगा, जैसे आप लोगों का बालराम कथा था, उसकी जगह हट के आपका महाभारत। हाँ वेरी गुड, महाभारत आएगा। बुक ले ली हो? बुक ली हो अभी? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो जिससे कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, हम बताते चले, जैसे आप लोग करते जाइएगा। चलो पहला चैप्टर है हम लोग का आज वसंत का, जो है कविता है हम पंछी उन्मुख गगन के। ठीक है, पहले हम कविता पढ़ेंगे फिर उसके बाद अर्थ बताएंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है, जहां पे दिक्कत हो रही होगी पूछ लेना। पढ़े आप? यस मैम। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख फूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक दान अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यह कविता जो है हम पंछी उन्मुख गगन के है, यह कविता श्री मंगल सुमन द्वारा लिखी गई है। इसमें एक चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है, पंछियों के बारे में बताया जा रहा है। चिड़िया नहीं कह सकते हम, पंछी कह सकते हैं, कि पंछियों के बारे में बताया जा रहा है कि पंछी कह रहे हैं कि हमें क्या करो, हमें पिंजरे में मत बांधो, हमें क्या रहने दो, आजाद रहने दो, हमें आजादी का जीवन जीने दो। अब हम इसका अर्थ बता रहे, ठीक है, इसका अर्थ होगा फर्स्ट वाला है जो है पद्यांश है, उसमें क्या बताया गया है कि हम पंछी उन्मुख गगन के, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कविता में, आप लोग जानते हो कैसे होता है, संदर्भ होता है फिर प्रसंग व्याख्या, प्रसंग में कवि क्या कहना चाह रहा है उस पद्यांश के बारे में या बताया जाता है। इसमें प्रसंग होगा किसमें, कवि श्री मंगल सिंह सुमन के हम पंछी उन्मुख गगन की कविता में पक्षियों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, आजादी का महत्व बताया जा रहा है। यहाँ पे पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमें आजाद रहना है, और इसी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। पहले वाले पद्यांश की व्याख्या ये है, कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं, कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। वो क्या कह रहे हैं,
जो खुला आकाश है, आसमान है, हम उसमें क्या करते हैं, अकेले क्या कर रहे हैं, हम घूमते हैं। ठीक है, विचरण मतलब होता है घूमना। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हम अपने मधुर गीत नहीं सुन पाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम एक पिंजड़े में बंद हो जाते हैं तो हम अपना मधुर गीत हम नहीं सुना पाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकरा जाएंगे। और जब टकराएंगे तो क्या होगा, पिंजरे में हमारे पंख क्या होंगे, टूट जाएंगे। जब वो खुशी से अपने पंख को फड़फड़ाएंगे तो क्या होगा, जब वो उनका पिंजरा है उससे टकरा कर टूट जाएगा। इसलिए पिंजरे का बंदी जीवन हमारे लिए महत्वहीन है। पहले पद्यांश का अर्थ समझ में आया? प्रीति, आस्था? यस मैम। फिर सेकंड है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सेकंड वाले में क्या पद्यांश में बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, कवि कह रहा है कि चिड़ियों को नदियों का पानी पीने एवं पिंजरे में मिल रही सुख सुविधा उनके लिए निरर्थक है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है जो चिड़िया अपना कार स्वयं कर रही है, वो खेलते घूमते नदियों से क्या करती है, अपनी प्यास को बुझाती है। और ऐसा जीवन जीने से और जो बंदी जीवन है वो उनके लिए निरर्थक है। इसमें व्याख्या क्या होगा, इसका अर्थ क्या है, हम नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। इसमें क्या बता रहा है कवि, चिड़िया कह रही है कि हम नदियों का बहता जल और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। इतनी चीज समझ में आए, वो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे नदियों और झरने के बहते जल की बात की जा रही है। नदियों और झरने का जो बहता जल है ये चिड़िया पीने वाली है। पिंजड़े के अंदर ना तो हमारी भूख मिटेगी और ना प्यास। वो क्या कह रही है कि जब हम पिंजड़े के अंदर रह जाएंगे तो ना मेरी भूख मिटेगी और ना प्यास। हमें आजाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है। वह क्या कह रही है कि मुझे आजाद रह के कड़वी चीज खाना पसंद है। निबोरी मीन्स जो नीम की आप लोग देखते हो छोटी छोटी निबोरी होती है उसे कहा जाता है। तो वो कह रही हम कड़वी निबोरी खाना हमें पसंद आएगा लेकिन हमें पिंजरे की सुख सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का मैदा खाने से कहीं अच्छा है हमारी आजादी। वह क्या बताना चाह रही चिड़िया कि पिंजरे में मुझे सुख सुविधा जितनी भी दे दो, चाहे पानी रख दो, चाहे मैदे में कटोरी में क्या करो मैदा भर के रख दो सोने की कटोरी में, लेकिन मुझे मेरे लिए वो सब क्या चीजें हैं, महत्वहीन है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमें क्या करना, हमें खुले आकाश में घूमना है, आजाद रहना है, बहते पानी बहते झरने और नदियों का क्या करना है, पानी उसे पीना है। तो सेकंड वाले पद्यांश में क्या बताया जा रहा, वह अपनी बात को बता रही है कि हमें आजाद रहना है। ठीक है, फिर थर्ड है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। अब इसमें क्या बताया जा रहा, कवि क्या कह रहा है कि इस पंक्ति में चिड़िया क्या कह रही है कि खुले आकाश में वह उड़ना चाहती है। उन्हें महसूस होता है कि पिंजरे का जीवन से हम उड़ना भूल जाएंगे। वो क्या कर रही कह रही है कि हम जैसे आसमान में खुले आकाश में उड़ते हैं, अगर हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि कैसे उड़ा जाता है। ठीक है, यह हो गया प्रसंग जिसमें कवि बता रहा है। इसकी व्याख्या क्या है, सोने के पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। वह क्या कह रही है कि जब हम पिंजरे में बंद होते हैं तो हम अपनी उड़ान और क्या भूल जाते हैं, अपनी गति भूल गए हैं। वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बन गया है। वो क्या कह रही है,
कि अब वृक्ष की जो ऊंची ऊंची डाल होती है अब उस पर घूमना हमारे लिए एक सपना जैसा रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां अब क्या हो गई है, पिंजरे में बंद हो गई है। यहाँ तक समझ में आया? तीन पैसेज तक, पद्यांश तक। कृति आस्था बताओ। यस मैम। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं समझ में आ रहा हो? नो मैम। चलिए अब चौथा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। अब क्या कह रहा जा रहा है चौथे पद्यांश में? अभी तक क्या कह रही थी कि अगर हम पिंजरे में बंद है तो हम उड़ना भूल जाएंगे और सपने जैसा क्या बन गया, दृष्टि डाली उसका रहना। अब क्या इसमें कवि कह रहा है कि चिड़िया की सभी इच्छाएं क्या हो गई हैं? यहाँ पे चिड़िया की सभी इच्छाओं के बारे में बताया गया है। किसमें? चौथा वाला जो पैसेज है उसमें। चौथे वाले पैसेज में क्या बताया गया है कि कवि क्या कह रहा है कि चिड़िया की जो सभी इच्छाएं हैं वह कैसी हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कवि कि चिड़िया की इच्छा है कि वह उड़ते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, नीले आकाश में पहुंच जाएगी और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। उसकी क्या क्या इच्छा थी कि वह खुले आकाश में क्या करेगी, उड़ते हुए ऊपरी जो सीमा है लास्ट जो होती है वहां तक पहुंच जाएगी और जो सूरज की लाल किरणें जैसी अपनी चोंच से तारों जैसे अनार के दाने होगी वो चोंच से चुगेगी। ठीक है, उसकी दो इच्छाएं थी। फिर उसके बाद है फोर्थ वाला, समझ में आया? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब क्या बताया जा रहा है कवि क्या कह रहा है? इतनी चीज हो गई। पहले वो क्या सोच रही थी चिड़िया कि मुझे पिंजरे में नहीं रहना है, उसे कोई भी सुख सुविधा नहीं चाहिए, वह अगर पिंजरे में रहेगी तो उड़ना भूल जाएगी। वह कह रही है कि अगर मैं पिंजरे में रही वह उड़ना भूल जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, उसे अब उसका जो सपना था कि वन ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूलने का, वह एक सपना बन गया। फिर उसके बाद उसकी क्या इच्छा थी कि वह उड़ते हुए खुले आकाश की सीमा तक पहुंचना चाहती है और फिर बाद में अनार के जो दाने होती उसको चुभना चाहती थी। ये कितनी इच्छाएं थी। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, होती सीमाहीन, इस वाले में इसमें चिड़ियों का जीवन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम।
नो मैम। मैम यस मैम। मैम रुकावट। यस मैम यस मैम यस मैम। नो मैम। यस मैम यस मैम यस मैम। मैम पढ़ने के लिए
मैम क्या यस मैम यस मैम मैम की चिड़िया को अगर भगवान ने पंख दिया है तो उड़ने के लिए दिया है तो उन्हें पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें उड़ने देना चाहिए और उनके खुशी उड़ने में ही है तो उन्हें उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, उन्हें पाल के नहीं रखना चाहिए। यस मैम मैम वो खुले आसमान में उड़ान भरना चाहती है और अपनी सूरज जैसी लाल किरणों की चोंच से तारों की तरह अनार के दाने चुगना चाहती है। मैम नहीं पता यस मैम मैम क्योंकि अगर वो पिंजरे में रहती तो वो उड़ नहीं पाती और अगर वो उड़ती तो उसके पंख उस पिंजरे से टकरा के टूट जाते। यस मैम नो मैम
नहीं है मैम, क्योंकि अगर हम लोग उनको पालेंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगी और वो अपनी आजादी खो देंगी। तोड़ देंगे। यस यस नो मैम, नो मैम, नहीं कर पाओगे ना मैम? कर लेंगे मैम। हाँ बोलो प्रीति मैम। हाँ बोलो प्रीति, क्या हुआ मैम? कुछ नहीं। बोलो बोलो, बेहिचक होके बोलो, क्या कुछ बोलना चाह रही हो? नो मैम। अच्छा, कोई चीज नहीं समझ में आई है? नो मैम। तब क्या दिक्कत है? कुछ तो बोलना चाह रही थी ना, बोलो मैम। वो निहारिका बोल रही थी। हाँ बोलो निहारिका। मैम वो जो आपने बोला था शब्दार्थ आएगा, मैम कहाँ से आएगा? मैम जो आपने लिखा है वही लिखना है। शब्दार्थ बुक में नहीं है मैम, बुक नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं बुक लो बेटा, आप समझी? नहीं तो अगर हम जो ये लिखवाते हैं बोर्ड पे उससे लिख लिया करो, ठीक है निहारिका कृति जो भी है, दोनों बहनें हैं ना? यस मैम। तो अगर हम जो लिखवा रहे वहां से लिख लो। और दूसरा चीज क्वेश्चन आंसर है कविता से, और कविता से आगे दोनों होगा। हम कृति तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। निहारिका वाला बता दिए थे हम, कृति तुम्हें बता रही। इसका पहले क्या क्या होगा इस चैप्टर में? पहले कठिन शब्द होगा, कठिन शब्द, शब्दार्थ, कविता, कविता का संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक, और क्वेश्चन आंसर, पांच चीज हो गई। यस मैम। एक तो पांचों चीज डेट डाल के आज के कर लेना, ठीक है? या हो सकेगा पीडीएफ जाएगा तब कर लेना, लेकिन बुक ले लो तो जिससे करते चलो, कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट टर्न पे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।